हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो गोवा के राइड के बाद आज का पहला व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। अभी तक गोवा सीरीज़ के सब व्लॉग्स मैंने अपलोड नहीं किए हैं, अभी तक तो सिर्फ एक ही किया है जिस समय मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाकी के सब एडिट होना बाकी है। पर डे एक व्लॉग रिलीज़ करने का टारगेट रखा है हमने, लेकिन फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। नेवर माइंड, वो चलते रहेगा धीरे धीरे, लेकिन हाँ पर डे एक व्लॉग आना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का व्लॉग टाइटल में पढ़ लिया होगा आपने, हम करने जा रहे हैं सर्विस हमारे बाइक की। वैसे तो ये सेकंड सर्विस होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द डेट एक्सपायरी यानी कुछ डेट समय होता है उनका, उस समय के अंदर आप आने चाहिए, तो उतने समय में हम नहीं पहुँचे हैं, तो शायद सेकेंड सर्विस लैप्स हो जाएगी। ड्यू टू प्रीवियस कोविड रेस्ट्रिक्शंस बाइक चली नहीं थी और उतने समय के अंदर सेकेंड सर्विस कराना इज़ नॉट फीसिबल, क्योंकि आपका ही नुकसान है, ऑयल यूज़ नहीं हुआ है, बाइक यूज़ नहीं हुई है, तो सर्विस करा के कुछ मतलब नहीं है। तो आई थॉट कि इज़ बेटर टू टेक अ हिट ऑन द सेकेंड सर्विस रैदर देन स्पेंडिंग मनी ऑन सर्विस दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो अभी हम शायद, मुझे लगता है ऑफिशियली थर्ड सर्विस होगी बाइक की। बाइक किलोमीटर्स चल चुकी है ऑलमोस्ट, कहाँ पे गया भाई, 5300, तो दैट्स गुड। 5300 मतलब थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन चलेगा क्योंकि हम राइड पे गए थे तो थोड़ा एक्सीड हो गया है वो। तो आई थिंक इट विल बी ऑफिशियली द थर्ड सर्विस ऑफ माय बाइक। तो हम इंजन फ्लश करा देंगे, इंजन फ्लश कराते हैं सेकेंड और फोर्थ सर्विस में, हमने फर्स्ट सर्विस में करा दी थी क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सर्विस भी थोड़ी लेट हुई थी ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शन। तो अभी शायद हम इंजन फ्लश कराएंगे और नॉर्मल सर्विस होगी। इश्यूज़ कुछ नहीं है बाइक में, सिर्फ दो माइनर इश्यूज़ है। एक तो साइड स्टैंड पे जब इंजन कट ऑफ नहीं हो रही है व्हेन इन गियर, तो वो माइनर एक सेंसर का इशू होगा या कुछ सेंसर के आसपास गंदगी चली होगी, किचड़ विचड़ कुछ लग गया होगा, माइनर सा इशू होगा, वो तो शॉर्ट हो जाएगा। और एक इशू है ये इंजन चेक लाइट, जो हमें पता है कि हुआ होगा हमारे चार्जिंग पोर्ट के वजह से, USB चार्जिंग पोर्ट जो हमने लगाया था, क्योंकि मैंने वो डायरेक्टली बैटरी को कनेक्ट किया था, हो सकता है वो बाइक स्टार्ट करते वक्त डायरेक्टली बैटरी को जंप करता होगा क्योंकि वो पूरा टाइम शुरू रहता था चार्जिंग पोर्ट। मैंने गलती की एक्चुअली, मैंने घर पे ही लगाया, वो डायरेक्टली बैटरी को कनेक्ट कर दिया था। तो एक बार सर्विस होने के बाद, इंजन चेकलाइट का इशू शॉर्ट होने के बाद, हम फिर से वो चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे और इस बार हम किसी वायरिंग में कनेक्ट कर देंगे, यानी इंजन किल स्विच एक्सेट्रा, यानी जब बाइक स्टार्ट होगी तभी वो चार्जिंग पोर्ट भी स्टार्ट होगा और बैटरी को कोई डैमेज नहीं करेगा। तो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। एक्चुअली कल मैं गया था सर्विस के लिए, कल सर्विस सेंटर बंद था भाई दूज की वजह से, और आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो हो सकता है हमें थोड़ा वेट करना पड़े हमारे बाइक का नंबर आने तक, क्योंकि आज संडे भी है, तो आज सर्विस के लिए बहुत सारे बाइक्स आए होंगे आई गेस। तो चलिए देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं अगर हमारी बाइक की सर्विस जल्दी हो पाती है तो। अगर वैसे तो मैंने बाइक धोई भी नहीं है आने के बाद, मैं उसका पहले सर्विस करा दूंगा, और वैसे सर्विस में इतने अच्छी तरह नहीं धोते कभी कभी। तो सर्विस होने के बाद, प्रॉपरली बाइक का काम होने के बाद, आई विल डू द क्लीनिंग पार्ट फ्रॉम एल्सवेयर। तो इसके अलावा चैनल अपडेट, तो चैनल के लिए फ्यूचर में बहुत से अच्छा कंटेंट आने वाला है अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। जैसे हम एक गिव अवे कर रहे हैं, हेलमेट गिव अवे, जी हाँ, तो उसका व्लॉग ये वीक में मैं शूट करने का सोच रहा हूँ। फेस्टिव सीजन की वजह से इस वीक में तो मैं नहीं कर पाया, तो हो सकता है इस वीक में वो शूट हो जाए और कॉन्टेस्ट शुरू हो जाए। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ जो राइड पे गई थी R15 वर्जन 3, उसमें भी कुछ एक्सेसरीज अपडेट होने हैं, तो उसका भी व्लॉग जल्दी आएगा। उसके अलावा हमने, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने प्रीवियसली देखा होगा कि मेरे फ्रेंड की BMW 310 की डिलीवरी हमने ली थी, तो उस बाइक का भी एक छोटा सा रिव्यू लेंगे, एक छोटा सा छोटी सी राइड पर जाएंगे, राइड यानी लोकली ही घूमेंगे। लेकिन मैंने वो बाइक प्रॉपरली चलाई नहीं थी क्योंकि नई थी, तो मैंने तभी मुनासिब नहीं समझा बाइक को लेना और व्लॉग शूट करना। तो हो सकता है ये वीक में मैं एक आध दिन के लिए बाइक ले लूँ उसके पास से टू शूट आ व्लॉग, एंड एक छोटा सा रिव्यू दूंगा चौजा, वो एक प्रॉपर रिव्यू नहीं होगा क्योंकि अभी तक बाइक, आई गेस बाइक की फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, तो हम बाइक को थोड़ा पुश नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मली चलाएंगे, तो एक नॉर्मल रिव्यू दूंगा मैं आपको। तो ट्रैवल प्लान्स नेक्स्ट मंथ के लिए हमने ऑलरेडी एक ट्रैवल प्लान कर लिया है, ज़्यादा दिन का नहीं है, 3-4 दिन का ही है एक्चुअली। नेक्स्ट मंथ भी
फेस्टिव सीज़न ही होगा, यानी न्यू ईयर, क्रिसमस एक्सेट्रा होगा, तो हर एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो इट वुड नॉट बी दैट ग्रेट घूमने के हिसाब से राइड कर, हाँ राइड पे जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पे एक्सप्लोर करना है तो इट वुड बी अ बिट प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ज़्यादा रश होगी तो इतना मज़ा नहीं आता, तो विल सी अबाउट दैट। लेकिन एक प्लान तो है नेक्स्ट मंथ के लिए, इस मंथ के लिए शायद हम कहीं पे, तो हम ट्राई करेंगे कि हम एक नई सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जिसमें हम अपने एरिया के नज़दीक का यू नो हिडन स्पॉट्स, हिडन गेटअवे स्पॉट्स एक्सप्लोर करने का, तो वो शायद होगा इस कमिंग वीक या नेक्स्ट वीक में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट हम प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे, तो चैनल बिजी रहेगा। अगर आपको इस सारे टाइप के कंटेंट पे, यानी बाइक मॉडिफिकेशंस, नॉर्मल बाइक रिव्यूज़ और ट्रैवल प्लान्स में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, हमारा चैनल छोटा है और हम भी सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अगर आपको क्वालिटी थोड़ी भी अच्छी लगती है चैनल की, तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, हेल्प अस ग्रो, हेल्प अस मोटिवेट फर्दर। तो दैट्स इट फॉर द अपडेट। तो वी आर हियर इन भांडुप नाउ। यूजुअली मैं पनवेल में जाता हूँ सर्विस कराने, इसकी फर्स्ट सर्विस भी पनवेल में ही कराई थी, क्योंकि पहले हम नई मुंबई में रहते थे, तो हमारी पुरानी FZ और R15 जो पहले थी मेरे पास, उसको भी हम सर्विस पनवेल में ही कराते हैं, वन ऑफ द बेस्ट शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर्स आउट देयर। तो पहली बार हम यहाँ पे भांडुप में जा रहे हैं, तो आई लेट यू नो हाउ द एक्सपीरियंस इज, और यहाँ का लोकेशन भी मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इन एंड अराउंड रहते हो भांडुप के तो यू कैन कम ओवर। तो चलो बाइक की सर्विस करा लेते हैं। भाई चालू क्या है? चालू चालू। तो चलिए अंदर देख के आते हैं। वो तो प्रोसेस बाइक सर्विस कराने का यहाँ पे सोनिया सर्विस। चलो लेट्स सी। This is the R15 Monster Edition. तो चलो बाइक अंदर लेके आते हैं, बाइक सर्विस करानी है तो बाइक पहले अंदर चेक होगी, उसके बाद सर्विस के लिए अंदर लेंगे। बाइक के टेस्ट लेने गए हैं, क्योंकि इंजन चेक लाइट ऑन है और साइड स्टैंड पे भी बाइक आगे चली जाती है, इंजन कट ऑफ नहीं होती है व्हेन इन गियर, तो एक बार चेक करने गए हैं, उनको चेक करके देखने दो, फिर देखें। एज अज्यूम सेकंड सर्विस लैप्स हो गई है, तो कोई बात नहीं, थर्ड सर्विस करा लेते हैं और देखते आगे। तो भाई चेक करके आ गए फट से, देखते अभी क्या बोलता है। ते लाइट मध्ये प्रॉब्लम असेल का? आणि गिअर वरती पण साइड स्टँड असेल ना तरी पुढे जाते, हा बंद पडले, त्या सेन्सर मोठे चिक्कल वगैरे काय गेला असेल का माती एकदा चेक करायला।
तो ये टैंक ओपन की गई थी फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करने के लिए, जो आपने थोड़ी देर पहले प्रोसेस देखा उस मशीन पे जहाँ पे बंदा फ्यूल इंजेक्टर लाने गया है, तो वहाँ से फ्यूल इंजेक्टर अभी वो लेके आएगा। फ्यूल इंजेक्टर क्लीन हो गया है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करने का, कुछ मैनुअल वर्क नहीं है उसमें। और अपनी टैंक भी यहाँ पर पड़ी हुई है, पूरी गंदी हुई है क्योंकि टूर के बाद हमने बाइक क्लीन नहीं की थी क्योंकि सर्विस करानी थी। तो अभी सर्विस होने के बाद देखते हैं ये लोग कैसे क्लीन कर रहे हैं, वरना फिर हम बाहर से अच्छे से वॉश करा लेंगे बाइक को। ये निकल लेता हूँ मैं, बाइक अभी गई है वॉशिंग को, तो डायरेक्टली मिलते हैं बाइक वॉश होने के बाद। तो बाइक की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, सारे बिल डिटेल्स एक्सेट्रा मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा बिल का स्क्रीन के ऊपर, अभी शायद आता भी होगा। तो बिल हुआ है अराउंड 1200, इसमें ऑयल एक्सेट्रा के सारे चार्जेस है, इसके अलावा हमने फ्यूल इंजेक्टर करवाया उसके चार्जेस है कुछ, तो आपको सारे चार्जेस स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। तो इसके अलावा एक दो ब्रैकेट्स मिसिंग थे बाइक में, एक्चुअली मैंने एक दो बार बाइक ओपन किया था टैंक साइड का एरिया, तो उसमें से एक दो ब्रैकेट्स जो नटके होते हैं वो निकल गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था शायद, तो वो ब्रैकेट्स लगे थे उस, तो उसके एक्स्ट्रा कुछ 50 रुपीज़ है उन ब्रैकेट्स के। तो उसके अलावा कुछ नए नॉर्मल सर्विस हुई, इंजन फ्लश नहीं करवाया, इंजन फ्लश अभी नेक्स्ट सर्विस के बाद मैं दोनों भी एक साथ कराया करूँगा, एक एवरी ऑल्टरनेट सर्विस में जिसमें इंजन फ्लश और इंजेक्टर क्लीनिंग करवा देंगे, बिकॉज अपनी बाइक लॉन्ग टूर एक्सेट्रा पे जाती है तो वो कराना ज़रूरी होता है। वैसे तो कंपनी ऑल्टरनेट सर्विसेज में बोलती है यू कैन डू इट एवरी सर्विस, अगर आप लॉन्ग जर्नीज एक्सेट्रा करते हो या जहाँ पे आप चलाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन धूल मिट्टी एक्सेट्रा हो तो। लेकिन अभी बाइक में और भी पिकअप महसूस कर रहा हूँ आफ्टर ऑयल चेंज एक्सेट्रा, क्योंकि 4000 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल गई थी बाइक बिफोर द प्रीवियस ऑयल चेंज, एंड अभी इंजेक्टर क्लीन एक्सेट्रा करा है, तो माइनर सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है, माइनर सा है लेकिन आप वो फील कर सकते हो। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं था, नॉर्मल चार्जेस थे। उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ मेंटेनेंस AMC के बारे में बताया था, वैसे RSA है हमारे पास रोड साइड असिस्टेंस, लेकिन AMC अलग, मेंटेनेंस और सर्विसेज का ऑफर है।
तो उसका पूरा डिटेल मैंने लिया नहीं है, वो मैं उनको कॉल करके पूछ लूँगा और हो सकता है अगले व्लॉग में आपको अपडेट कर दूँगा उसमें क्या आपको मिलता है। लेकिन इतना तो मुझे कुछ पता है कि एक उसमें वो लोग कुछ 2-3 सर्विसेज एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं या कोई टाइम पीरियड तक सर्विस बढ़ाते हैं, और फर्स्ट टाइम ऑयल चेंज फ्री होता है, यानी 500 का जो ऑयल होता है 400-500 का वो फ्री आता है फर्स्ट सर्विस में। तो उस AMC का कुछ चार्जेस ही था कुछ 1600 के आसपास, तो इट्स वेलिंग गुड, पैसा वसूल टाइप है वो ऑफ़र, यानी बहुत अच्छी डील है, नुकसान नहीं है आपका कुछ भी। तो जो भी डील होगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट कर दूंगा। और एक बात अच्छी है कि इस सर्विस सेंटर वालों ने मुझे सारे मेंटेनेंस AMC एक्सेट्रा ऑफर्स के बारे में बताया, लेकिन कुछ भी लेने के लिए ज़्यादा पुश नहीं किया, अनलाइक अदर सर्विस सेंटर जहाँ पे आपको बोलते हैं कि ले लो बहुत अच्छा रहेगा एक्सेट्रा, पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने एक बार एक्सप्लेन किया और मुझसे पूछा अगर मुझे चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं 1-2 दिन में बता दूंगा सोच के, तो दे वो ऑलराइट विद इट। उसके बाद उन्होंने फिर से फोर्स नहीं किया या फिर से नहीं पूछा मेरे को, तो दैट्स गुड। वैसे नया सर्विस सेंटर है कुछ 3 या 4 महीने ही हुआ है खुल के, भांडुप में है, मैं उसका लोकेशन मार्क कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। तो जो भी भांडुप के आसपास रहते हो तो आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा सर्विस सेंटर है, मैनेजर एक्सेट्रा सारे फ्रेंडली है, उन्होंने मैंने उनसे जितने भी क्वेश्चंस किए उन्होंने सारे जवाब दिए विदाउट एनी हेजिटेशन, तो वो एक अच्छी बात थी। और वहाँ का जिस बंदे ने मेरे बाइक को हैंडल किया मैं उससे भी कंटिन्यूसली बात कर रहा था अबाउट बाइक एक्सेट्रा, तो वो भी सारी डिटेल्स दे रहा था, तो अच्छा फ्रेंडली कस्टमर सर्विस है। जैसा मैं पनवेल में जाता हूँ वैसे टाइप का ही है, मतलब पनवेल में मैं हमेशा पनवेल जाता था, वहाँ पे मेरे को अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती थी, यहाँ पे भी वैसी ही मिली है। चार्जेस एक्सेट्रा भी नॉमिनल है, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने लिया नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है और ना ही कुछ मुझे फोर्स किया कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल काम करने के लिए, तो दैट्स गुड। तो हाँ, अगर आप जाना चाहते हो बाइक सर्विस कराने के लिए तो यहाँ पे ज़रूर जा सकते हो, मैं उसके सारे डिटेल्स मेंशन कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो हो गई हमारी सर्विस की बात, अभी बाइक चल रही है बहुत ही सही, मैं एक्चुअली फील कर सकता हूँ तो बाइक के पावर में चेंजेस थोड़ा बहुत, स्मूथ चल रही है, अच्छा ग्रंट है, अच्छा पिकअप दे रही है, मतलब इतना मेजर डिफरेंस नहीं लेकिन थोड़ा है विच इज़ यू कैन फील एंड मेक्स यू हैप्पी। तो अभी एवरी अल्टरनेट मैं सोच रहा हूँ एवरी अल्टरनेट सर्विस में करा लिया करूँगा, इंजन फ्लश और फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग। अगर मैं कोई लॉन्ग रूट पे जाता हूँ तो वो अल्टरनेट के लिए भी रुकूँगा, तुरंत नेक्स्ट सर्विस में करा लिया करूँगा। तो दैट्स वन थिंग डन, सर्विस हो गई है तो थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, तो अभी देखते हैं चैनल पर नेक्स्ट क्या आएगा। तो इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, स्टे ट्यून फॉर दैट। एक्चुअली मैंने मेरा पहला व्लॉग ट्रैवल व्लॉग कल ही अपलोड किया था मुंबई टू गोवा राइड का, उसका Day 1 का व्लॉग है, तो उसमें और 5-6 व्लॉग्स आने बाकी है। तो Day 1 में ही मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले, थैंक यू everyone फॉर दैट। तो ऐसे कमेंट्स, ऐसे मोटिवेशनल कमेंट्स पढ़ने के बाद यू ऑलवेज फील लाइक क्रिएटिंग बेटर क्वालिटी कंटेंट, मोर गुड व्लॉग्स, सो दैट यू ऑल कैन एंजॉय मोर, आप एंटरटेन हो जाए, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और आपको कुछ नया जानने का मौका मिले, दैट्स द प्राइम फोकस हमारे हर व्लॉग का, तो हम वही कोशिश करते रहेंगे। तो अभी जा रहे हैं डायरेक्टली घर पे, क्योंकि मेरी दादी आई हुई है, तो विल स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, वरना मेरे पास थोड़े और भी काम थे, नई मुंबई जाना था, वहाँ पे जहाँ से मैंने मेरा हेलमेट लिया है वहाँ पे न्यू हेलमेट चेक करने जाना था, ले नहीं रही है बस चेक करने जाया था, सी डेविल एक नया वर्जन आया है एपेक्स का, एग्जॉर एपेक्स का। इसके अलावा मुझे जैकेट के अंदर पहनने के लिए इनर टी शर्ट लेना था। नेक्स्ट राइड से पहले हम पूरे तैयार रहेंगे, लास्ट मिनट के लिए अभी कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो 1-2 काम थे, फ्रेंड के पास जाना था, हमारे गिव अवे हेलमेट का व्लॉग भी शूट करना है, तो वो शायद 2-3 दिन में शूट हो जाएगा, आज तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आज घर पे जाना पड़ेगा रिटर्न। तो अगर आपको इन सारे कंटेंट में इंटरेस्ट है, हमारे पास R15 version 3 की एक्सेसरी अपग्रेड्स का भी वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारी गोवा की ट्रैवल सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ऊपर आई बटन में भी आता होगा। और एवरीडे एक नया व्लॉग आ जाएगा उस सीरीज़ का, और अगले 5 दिनों तक आई गेस, डिपेंड करता है कि कंटेंट कितने
डिपेंड करता है कि ब्लॉग कितना बड़ा है, अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा तो वील मेक इट इन टू पार्ट्स। तो हाँ, अभी तो फ़िलहाल के लिए तो शेड्यूल यही है कि नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए हर एक एक ब्लॉग आता रहेगा गोवा का। तो एक्चुअली हम गए थे राइड पे, एक्सप्लोर करने नहीं गए थे, तो आपको ज़्यादा फिर भी हम थोड़े बहुत स्पॉट्स पे गए थे उसका व्लॉग आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करने जाएंगे तो कुछ ज़्यादा दिन के लिए भी जाएंगे और ज़्यादा प्लेसेस चेक कर पाएंगे। तो अभी थोड़े प्लेसेस चेक किए तो उसका व्लॉग भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अच्छा ही आया है, लेकिन बहुत सारा डेटा मेरा करप्ट हो गया था क्योंकि इस बार मैं लैपटॉप लेके नहीं गया था, तो आई हैड टू कॉपी द वीडियोज़ इन माई पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव में कॉपी करते हो कुछ यू नो इम्पॉर्टेंट क्लिप्स करप्ट हो गए थे, तो मूड ऑफ हुआ था, लेकिन इट्स ओके, पार्ट ऑफ द डील। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि कुछ बेटर प्रिपेयर होके चले जाए सो दैट ऐसा ना हो। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वी विल बी बैक विथ मोर अमेजिंग कंटेंट। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ। Thank you.